नमस्कार। भारतीय गणतंत्र का 7 दशकों का गौरवमय इतिहास रहा है और इसकी नींव है देश का संविधान। और अपने इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम संविधान के विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। आज के अंक का विषय है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दिल्ली दूरदर्शन के स्टूडियोज में मेरे साथ 3 जजेस मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊँ। हमारे साथ हैं श्री कंवलजीत अरोड़ा, नमस्कार। आप मेंबर सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जी। हमारे साथ हैं गौतम मनन जी, नमस्कार गौतम जी, स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। और साथ ही स्वागत करना चाहेंगे विनोद कुमार मीना जी का, आप सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से। आप तीनों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ युवा ऑडियंस भी है, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कंवल जी, आपसे शुरू करूँगा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है तो सबसे पहले तो यही बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमने अडॉप्ट किया वो हम सब सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने अपने आप को दिया, दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ जी। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रखे गए। ये गाइड करते हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट हैं उनको कि वो किस तरीके से सोसाइटी में पनप रहे, जितना भी जैसे इकोनॉमिक पुअर कंडीशंस हैं तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स जिनको हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं वो उनको फॉलो करें ताकि गुड गवर्नेंस हो सके हमारे कंट्री। तो जब हम कहते हैं स्टेट, यानी इसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार शामिल हैं? डेफिनेटली, इसमें स्टेट और राज्य केंद्रीय सरकार दोनों के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इक्वली अप्लाई करते हैं जी। तो आखिरकार कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये और कौन से आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात रखते हैं? ये आर्टिकल 36 से लेकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 तक डिफाइन करते हैं कि सरकारें किस तरह से लोगों के हित के लिए कार्य करेंगी, क्या सोशल ऑर्डर बनाएंगी, क्या किस तरह से वो वेलफेयर स्कीम्स लेकर लोगों की सहायता करेंगी और एक राष्ट्र को, एक समाज को खड़े करने के लिए जो भी उनके फ़ायदे की चीज़ें हैं, क्योंकि अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन इन आर्टिकल्स के द्वारा सरकार को बाध्य किया गया कि सरकारें किस तरह से लोगों के हित के लिए कार्य करें। और कितने प्रिंसिपल्स होंगे गौतम जी? ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जा रहे हैं, तकरीबन 20 के आसपास हैं। और अगर हम बात करें ये 20 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किन विषयों पर केंद्रित हैं विनोद जी? देखिए, विषय तो विविध हैं, लेकिन अगर हम दर्शकों के लिए बताना चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जिनको हम फोकस करना चाहेंगे। जैसे आर्टिकल 42 है, अनुच्छेद 42 है, जिसमें बताया गया कि मैटर्निटी बेनिफिट्स के बारे में। आर्टिकल 43 हो गया जिसमें मिनिमम वेजेस के बारे में बताया है। आर्टिकल 45 हो गया हमारा चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बताया। अच्छा। है। और आर्टिकल 48 कैपिटल ए हो गया जिसमें हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है जी। तो ये वो मुद्दे हैं जिसपे कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ा इस पर सरकारें केंद्रित रहें और ये देश के निर्माण के लिए जरूरी है। जरूरी जी। तो चलिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो वी द पीपल से शुरू होता है, तो वी द पीपल के पास चलते हैं। शिवांगी, आपसे जानना चाहूंगा जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, हम जब कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगी या क्या सवाल रखना चाहेंगी? सर, मुझे ये पूछना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव और उसका वो गोल क्या है जी? आप क्या बताना चाहेंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ी बात? सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो रूरल एरिया पे इतना एप्लीकेबल क्यों नहीं है, वो लोग इससे अवेयर ज़्यादा नहीं है जी। और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आरटीआई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत है क्या, क्या उसी से ही उपजा है जी? आप? सर, मैं जानना चाहूँगी नालसा और सालसा का मतलब बनाने का मोटिव क्या था। ओके जी। सर, मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ी है कि राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, ये मैंने पढ़ा था, टी के शाह जी ने बोला था। ऐसा अच्छा। क्यों बोला था उन्होंने? अच्छा, चलिए, सबसे पहले तो क्योंकि नालसा और सालसा की बात हुई है तो नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है इसके उद्देश्य हम कैसे समझें? आपने बिल्कुल सही कहा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39A है, अच्छा, दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड टू पुट अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट कि स्टेट ऐसी लेजिस्लेशन लाए जिससे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
शुड बी ग्रांटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन. तो इसके लिए इसके तहत में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का गठन किया गया. 1987 में ये एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, और इस एक्ट के तहत डिफरेंट अथॉरिटीज़ का, जैसे इन्होंने पूछा कि नेशनल लेवल पे वी हैव नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हर स्टेट लेवल पे वी हैव स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. तो इनका परम उद्देश्य जिसके लिए गठित किया गया वो सिर्फ यही था कि जितने भी हमारे डाउन ट्रॉडन हैं, जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे पाए. क्योंकि ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग अपनी पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से जो उनके साथ गलत हो रहा है उसको वो चुपचाप सहते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ बेटर सोसाइटी. बिल्कुल. और इसका मतलब है कि यदि कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो हमें भी समझना होगा कि हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं. लेकिन एक धारणा है गौतम जी कि अगर मैं कानूनी प्रक्रिया में जाता हूं तो बहुत महंगी है, जटिल है, तो ये जो सेवाएं मिलेंगी कानूनी सेवाएं, मान लीजिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से, क्या ये मुफ्त होंगी सभी के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया अमित जी, और मैं सुनने वालों के लिए भी और अपने ऑडियंस के लिए भी ये बात बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 39 जब भारतीय संविधान में आया तो इसने बाध्य किया सोसाइटी को, लीगल अथॉरिटी को, कि वो ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इसके बिल्कुल हकदार हैं. अच्छा. सर ने बताया कि मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए, यानी कि ये समझ लीजिए कि भारत की तकरीबन 85% जनता आज फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता और असिस्टेंस के लिए वो लोग हकदार हैं उसके. और इसमें फिर आते भी हैं, और इसमें ये समझ लीजिए कि भारतीय में रहने वाली सभी महिलाएँ, सभी SC, सभी ST और जिनकी भी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से कम है, वो लोग, किन्नर और कोई भी आपदा से पीड़ित लोग, जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं, वो सभी लोग, दे आर ऑल इंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल. अगर इनमें से इस समय कोई कार्यक्रम देख रहा है और मान लीजिए दिल्ली स्टेट LSA से जुड़ना चाहे, कोई फोन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर? जी, हमारा एक 1516 एक तो 24x7 यानी 24 घंटे फ़ोन फ्री एकदम हमने लोगों के लिए ये सुविधा दे रखी है, और हम लोग काफ़ी इसमें कॉल्स भी रिसीव करते हैं, और जो भी कोई कानूनी प्रश्न आते हैं तो हम ज़रूर उसको लोगों को सहायता करके उसका जवाब जी देते. तो ज़रूर आप नोट कर लें 1516 आसानी से 1516 ये नंबर आप डायल करेंगे तो ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में लगेगा और यहाँ पर आप मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं. पर जैसे हम कह रहे हैं कमलजीत जी मेंबर सेक्रेटरी DSLSA और गौतम जी स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट LSA, दोनों सेम संस्था से, लेकिन आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी उपलब्ध है? हाँ जी, देखिए अगर किसी व्यक्ति को कोई कानूनी समस्या आई है तो वो अपने घर से अगर सेंट्रल में, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बहुत उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अच्छा. एक बड़ा स्टेट है, कैपिटल उसकी जयपुर हो गई. अगर जयपुर में हमारा मेन ऑफिस है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज और किसी को प्रॉब्लम आई बीकानेर से. अच्छा. तो उसको बीकानेर से जयपुर आने की आना पड़ता लंबा रास्ता है. तो इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना दी गई है. अच्छा. और उसमें उसको जो भी कानूनी समस्या है वो उस वहीं के जिला न्यायालय में जाएगा जहां हमारा ऑफिस होता है, DLSA का ऑफिस होता है, वहां पे उसको मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त और सशक्त कानूनी सहायता मिलेगी. पर विनोद जी मान लीजिए मैंने 1516 डायल किया, अब वो फोन दिल्ली स्टेट को लगेगा. हाँ जी. तो फिर क्या वो आपको फिर जिला में आगे कहते हैं करने के लिए? हाँ जी. अच्छा. जो मेन एक सेंट्रलाइज्ड हमारा कॉल सेंटर बन गया. अच्छा. वहाँ से सारी कॉल रिसीव होंगी. ठीक है. उनको उनसे हम वो पूछते हैं कि आप किस जिले से हैं, किस क्या आपको समस्या है, उस समस्या का एक बार समझ के फिर उनको गाइड करते हैं कि आप इधर जाइएगा, इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाइएगा, वहाँ हमारा एक फ्रंट ऑफिस लॉयर हमारा बैठता है 10 से 5, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा और आपकी जो भी कानूनी समस्या होगी उसका मूल रूप से पूरा समाधान होगा. जी. तो नालसा क्या है, सालसा क्या है और कैसे जिले स्तर तक आपकी लीगल सर्विसेज आप तक पहुंच सकती हैं, उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी हुई होगी. जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू जस्टिस है, राइट टू फ्रेटर्निटी है. तो राइट टू जस्टिस तो मेरी फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर आर्टिकल 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था जिसके चलते लीगल सर्विस अथॉरिटी का कानून आया 87 में. तो इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट के साथ भी जुड़ती है. ऑब्वियसली देखिए
जब कभी भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो फंडामेंटल राइट्स के कोऑर्डिनेशन में करेंगे. अच्छा. एक हार्मनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे. अच्छा. जो भी है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको तो हमें इम्प्लीमेंट करना ही है. अच्छा. जब भी कोई देखिए, जो हमारा फंडा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट के लिए हैं. अच्छा. स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं. जब भी वो कानून बनाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स को तो वो हमेशा ध्यान में रखेंगे. तो इसका मतलब जैसे अगर 20 डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे जब संविधान बना, वो तो 20 रहेंगे, उस 20 से या तो एक्ट बन सकता है या फिर संविधान में बदलाव भी आ सकता है, फंडामेंटल राइट ही बन जाए. राइट टू एजुकेशन एक ऐसा राइट है जो बाद में लाया गया और पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही मौजूद था. अच्छा. आर्टिकल 45 और फिर हमारा लीगल सर्विसेज, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट भी इसी के चलते आया. आर्टिकल 39 ए था और फिर हमारा अथॉरिटी एक्ट. तो आर्टिकल 45 जो है उसी से ही फिर जो है फंडामेंटल राइट बना. फंडामेंटल राइट बना एजुकेशन. इसमें वही ये जो आपने अभी बात की कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको ऑफ लेट सुप्रीम कोर्ट ने भी हार्मोनियसली कंस्ट्रू करके काफी सारे नए राइट्स, राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल दैट, ये सारे आर्टिकल 21 में ही जनरेट कर दिए, जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स बन गए. तो बेसिक डिफरेंस या बेसिक जो चीज जो समझने की है लोगों के लिए, वो सिर्फ ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. और जैसा आपने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, दे मे कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेशन जस्ट टू गिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल. बिल्कुल. जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, ताकि उनको एक ये गाइडिंग फोर्स की तरह, एक गाइडिंग लाइट की तरह इसको हम यूज करते हैं. बिल्कुल. आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया और हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी कहा कि उस दिशा में भी प्रगति हो. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है? देखिए, डेफिनेटली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख है और इसी के तहत जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे क्रिएट अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, राइट, ऑन स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. जी. लेकिन ये एनफोर्सिएबल नहीं रखे गए. अच्छा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया तो इनको हमने एनफोर्सिएबल नहीं रखा. अच्छा. जबकि फंडामेंटल राइट्स विच क्रिएट्स नेगेटिव से ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, की स्टेट ऐसा नहीं कर सकती. अच्छा. किसी भी लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, ताकि उनके फंडामेंटल राइट्स उन तक रहे और एक बेसिक जो जिसको बोलते हैं लिबर्टी, that cannot be taken away from the individual, which is very personal to each and every citizen of the country. Right. और बाकी जो इसमें इन आर्टिकल्स में 36 से 51 तक जो 20 आर्टिकल्स हैं, हाँ जी, इन आर्टिकल्स में सरकार के ऊपर ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जरूर है, हाँ जी, कि इसको वो ध्यान में रखते हुए लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करते हुए जितने लेजिस्लेशन ला सकती है वो लाए. बिल्कुल. आरटीआई से जुड़ा एक सवाल भी आया था, तो जब राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, इसका भी लेना देना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ है क्या? ऑफ कोर्स, मतलब ये तो सरकारों को बाध्य किया गया कि वो लोगों के लिए कार्य करें. अच्छा. और राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसलिए लाया गया कि सरकारें जो कार्य कर रही है उनका लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे. जिस तरह से स्टेट काम कर रही है, जिस तरह से स्टेट ऑफिसेस काम कर रहे हैं, लोगों को अधिकार होना चाहिए कि किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली और कहां तक बात पहुंचे. जी. पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव गॉट वन एड्रेस, प्लैनेट अर्थ. एंड देयरफॉर लेट्स रियली अंडरस्टैंड फ्रॉम विनोद जी कि जो एनवायरमेंट का आपने बताया था विविध विषयों में, उसको लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या आग्रह करता है? देखिए, आज जो हमारा अनुच्छेद 48 ए है वो इसके बारे में बताता है कि हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को अपना ध्यान रखना है कानून बनाते वक्त. जी. कानून बहुत है, जैसे कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ले लीजिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट ले लीजिए, लेकिन जानकारी का अभाव है. देखिए, अभी रिसेंटली हमने देखा दिल्ली में पोल्यूशन से, प्रदूषण से कितनी सफोकेटिंग सिचुएशन हो गई थी. तो उसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा और डायरेक्शन देनी पड़ी कि इसको रोकिए. तो अभी भी जानकारी का अभाव है. अगर इंडिविजुअल लेवल पे इसकी जानकारी होगी, लोग इस पे स्टेप्स लेंगे, तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को स्टेप इन नहीं करना पड़ेगा. एनवायरनमेंट के ऊपर लॉज बहुत है जी, लेकिन इफ लॉज कैन करेक्ट द एनवायरनमेंटल पोजीशन, तो अब तक हो चुकी होती अगर लॉज ही इसका आंसर होते. तो इसका बेसिक रीजन ये है कि हम लोगों को, वी द पीपल जैसा आप बात कर रहे हैं, हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है. हमें सब जागरूक होने की ज़रूरत है, बिकॉज एनवायरनमेंट को अगर कोई ख़राब कर रहा है तो हम लोग खुद कर रहे हैं. तो लॉज को
ये तालियां बता रही हैं कंवल जीत जी कि हम प्रण ले रहे हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में कि नए साल 2020 में हम पर्यावरण संरक्षण के लिए और प्रदूषण को मिटाने के लिए कदम लेंगे. एनीबॉडी हुज गॉट अ सॉल्यूशन, इनोवेशन सॉल्यूशन, वेरी गाइस, वेरी नाइस, शो ऑफ हैंड्स, एनीवन, एनी इनोवेशन सॉल्यूशन? यस, व्हाट विल यू डू? आग वगैरह ये सब जलाते हैं या फिर हम किसी भी जगह कूड़ा वगैरह ऐसे फेंक देते हैं, हमें वो सब नहीं करना चाहिए. हमें पराली भी कई बार बात आती है, किसान मित्र हमारे जलाते हैं. रिस्पॉन्सेज देख के बहुत अच्छा लगा और हम भी अपने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लेवल पे कम्युनिटी लेवल में जाके जागरूकता फैलाते हैं कि ये इस एनवायरमेंट को अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो हम लोग खुद कर सकते हैं. Somebody from outside, somebody from other planet will not come to help us out from this situation. ये हमारी अपनी क्रिएट की हुई सिचुएशन है और इसमें से निकालेंगे भी हम खुद ही अपने आप. विनोद जी, आर्टिकल 37 हमारा बोलता है, अनुच्छेद 37 बोलता है कि ये जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यानी कि हम इसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने इस पे कानून नहीं बनाया. अच्छा, लेकिन देखिए जो डायरेक्टली नहीं कर सकते वो हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं. अच्छा. कैसे? जैसे आर्टिकल 42 को ले लीजिएगा, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कानून बना मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961. अच्छा, तो उसमें दिया कि जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनको एक गर्भवती महिला को 6 महीने की लीव देनी है. अच्छा, अगर कोई नहीं देता है तो कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं. अच्छा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन इटसेल्फ चैलेंज नहीं हो सकता. अच्छा, लेकिन इनडायरेक्टली वो चैलेंज. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो तो दिशा निर्देश हैं, आपने किया कि नहीं किया एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उससे जुड़ा कानून बन गया है उसका उल्लंघन होता है तो मैं जरूर कानून का दरवाजा खटखटा सकता हूँ. तो क्या फिर मैं हाई कोर्ट या क्या रास्ता होता है अगर मुझे लगता है उल्लंघन हो रहा है उस कानून का? आपके जितने भी वो फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं तो उनको एनफोर्स कराने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्ट अगर वो स्टेट के अगेंस्ट फाइल करना है. अगर स्टेट नहीं है देन यू हैव टू गो टू ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ योर राइट. और अपने इस विशेष कार्यक्रम में हमारा प्रयास है कि संविधान से जुड़ी जो अन्य बातें हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, हम और आप वी द पीपल कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और हमें बेहद हर्ष है कि इतने सवाल उठ रहे हैं. हर्षित, सवाल पूछिए. हेलो सर. सर, जैसा कि आपने अभी बताया था कि हम आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, सर मेरा सवाल ये है कि हम आपसे कॉन्टैक्ट तो कर सकते हैं लेकिन जैसे कि भारत इतना बड़ा देश है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर भारत की आधी जनता को ये भी नहीं पता कि ऐसी फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड होती है, तो फिर हम उसको मतलब भारत की जनता को जागरूक कैसे करें उसके बारे में? अपने फेसबुक में आज मैसेज डालेंगे क्या? हर्षित ट्वीट करेंगे? यस सर. क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? यस सर. वी द पीपल. यस सर. क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशरी और नॉट? सबसे पहले तो मैं हर्षित के लिए कहना चाहूँगा कि उसने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया, दैट इज रिगार्डिंग अवेयरनेस. किसी भी समाज को सुधारने के लिए जब तक सवाल नहीं किए जाएंगे तब तक जवाब नहीं मिल सकते. बिल्कुल ठीक है जी. और वो सवाल किए जाने के लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है. हमारे और आपके जागरूक होने से ये प्रश्न हल नहीं होता. हम सबके जागरूक होने में समाज का जो लास्ट व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, जैसे गांधी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो उस अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर लें या कर लिया है हमने तो हम ऐसा नहीं कह सकते. तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है. तो हमारे पार्ट पे हमारी जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है हम डिफरेंट लेवल्स पे 1-to-1 भी और कम्युनिटी लेवल पे जाके, हम स्कूल्स में जाके, कॉलेज लेवल पे जाके लोगों को अवेयर करते हैं कि क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारे लॉज हैं. और ये जो अवेयरनेस है ये स्कूल कॉलेजेस में जो हम जाके करते हैं वो ना सिर्फ उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है, उनसे जुड़े हुए हर उस व्यक्ति के लिए है. ताकि एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को अगर हमने शिक्षित कर दिया तो आगे कम से कम 10 लोगों को और उनके कानून अधिकारों के बारे में बताएगा जी. और इसके अलावा हम डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट माध्यम्स पे, अभी रिसेंटली हमने मेट्रो ट्रेन के ऊपर पूरा एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया है. अच्छा. जो रन करेगा, जिसको देख के लोगों को जागरूकता होगी कि उनके क्या राइट्स हैं. अच्छा. और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे ऑफिस तक, हम तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो मान लीजिए इस समय कोई स्कूल की प्रिंसिपल कार्यक्रम देख रही हैं गौतम जी, और वो चाहते हैं कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की टीम उनके स्कूल आए शिक्षित करने के लिए, तो ये संभव है और वो अप्रोच कर सकते हैं? जी बिल्कुल संभव है. और आपको जान के हैरानी होगी कि हमने ऑलमोस्ट 3,000 स्कूल दिल्ली में कवर किए हैं और हम सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में गए हैं और हमारे जजेस गए हैं
और बच्चों से स्पेशल एक्ट ट्रैफिक लॉज के बारे में, अच्छा पॉक्सो एक्ट के बारे में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में जो आजकल काफी हमने सुना है कि इस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं, तो इन विषयों पर हमने खुलकर बात की है और उनको भी अच्छा लगा कि जजेस उनके स्कूल में आए हैं और वो हमें कॉन्टेक्ट करना चाहें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में या 1516 के माध्यम से भी कर सकते हैं, हम तुरंत उनके स्कूल में अगले दिन ही पहुंचेंगे अपने। बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे भारत का गणतंत्र मजबूत होता रहेगा, चर्चा होगी, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। जी आखिरी बार आप सबसे सवाल पूछेंगे, कुछ भी आप प्रतिक्रिया देना चाहें। जी रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो भी हमारे इंडिया के एक पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो सोशल मीडियाज पे नहीं है, वो सोशल किसी भी जगह पे नहीं है, तो उन्हें कैसे अवेयर किया जाए? गर्ल्स मोस्ट ऑफली जो जिनको सिर्फ यही पता होता है कि हाँ उन्हें मैरिड करना है, चाइल्डहुड में उनकी मैरिड हो जाती है, तो उन्हें कैसे अवेयर करना है? इंटरनेट की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं या सोशल मीडिया का उतना प्रभाव नहीं है, उन्हें कैसे जागृत किया जाए? जी और सवाल जिन्होंने अब तक नहीं पूछा है जरूर पूछिए। जी पूछिए शिवांगी। सर जैसे दूसरे सरकारी दफ्तरों में होता है कि सुनवाई जल्दी से नहीं होती या फिर होती नहीं है कई बार, तो ऐसे ही डीएसएलएससी में होता है क्या? जी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज जस्टिफिएबल है। अगर हम किसी टी स्टॉल पे चले जाएं, एक छोटा सा राजू आएगा, वो टेबल क्लीन करके जाएगा, तो सर वो उसकी जगह नहीं है लेकिन वो उस जगह पे है, तो इसमें गलती किसकी है? ये बिल्कुल सही, बहुत पेरेंट्स की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? कई बार हमारी आंखों के सामने कई बार हम अन्याय देखते हैं और शायद वक्त आ चला है नए इंडिया के लिए संकल्प लेने का कि अब हमें भी अपनी आवाज उठानी होगी। आखिरी राउंड है आप सबके लिए, कमलजीत जी कैसे समझे? मैं सबसे पहले तो आप सबको ये कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े इस मुहिम में, अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हम सबको खुद बदलना होगा, और हम सब जब खुद बदलेंगे, खुद जागरूक होंगे, एक दूसरे को अवेयर करेंगे। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बहुत संवेदनशील क्वेश्चन इन्होंने पूछा, हम अपने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम पे अलग अलग टाइम पे डिफरेंट मुहिम चलाते हैं। अभी रिसेंटली भी हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें आपको शायद पता होगा कि हर पब्लिक स्कूल में 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, जस्ट टू इंश्योर कि ये जो 25% सीट्स हैं ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को मिले। हमने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज को ये हिदायत दी है कि वो अपने अपने एरियाज़ में ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई करें जहां इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रहते हैं, ताकि उन बच्चों के लिए हम फॉर्म भर सकें और ये पक्का कर सकें कि उनको उनके हिस्से की जो सीट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को मिले। आप जब ये कहते हैं मुझे हिंदी मीडियम फिल्म याद आती है जिसमें कि इसका जब उल्लंघन हुआ था, और अच्छी बात यह है कि सिनेमा में भी अब कानून प्रक्रिया को लेकर बहुत फिल्में बनती हैं जैसे जॉली एलएलबी, तो आपको लगता है कि सिनेमा हो, थिएटर हो, आर्ट्स हो, ये भी सशक्त माध्यम बन सकता है जागृति बढ़ाने का? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं सर। हम आप दूरदर्शन में आज इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को ये बता सकें कि क्या दिशा निर्देश सरकार को दिए, हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि मौलिक कर्तव्य भी क्या है, यानी हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से भारत की सेवा कर सकें और अपनी निष्ठाओं को देश के लिए समर्पित कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा सवाल आया था तो मैं चाहूँगा कृषि जो हमारे मित्र हैं उनके लिए बताइए, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर भी बातचीत है। देखिए सवालों में भी एक सवाल ये भी आया था कि गांव की एक दूर दराज महिला को पास फेसबुक और ये सब नहीं ना हो शायद सोशल मीडिया, हालांकि ये भी धारणा हो सकती है, ये भी धारणा हो सकती है क्योंकि आजकल मिलियंस हैव मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट। तो देखिए उसके लिए भी हम जो हमारा विधिक सेवाएं प्राधिकरण है वो डोर टू डोर कंपेन चला रही है, यानी कि हमारे जो लॉयर्स हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वो खुद उसी जगह जाएंगे, उस दूरदराज इलाके में जाएंगे, लोगों से बात करके उनको बताएं, उनकी समस्या को समझेंगे और कानूनी प्रक्रिया को बताएंगे कि अच्छा। ये आपके लिए है और जो उनके मन में डर है हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए वो खत्म हो, उन तक जानकारी पहुंचे। तो आप में से कोई है जो पैरा लीगल वॉलंटियर बनना चाहेगा, वॉलंटियरिंग करना चाहेगा, अगर ये वॉलंटियर करना चाहते हैं तो ये आपसे संपर्क कर सकते हैं कवल जी? ये बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो चलते चलते आप तीनों से आखिरी कमेंट्स, कवल जीत जी आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी पे हमने बात की, तो सार थोड़ा सा बता दीजिए कि आम जन कैसे समझे इन प्रिंसिपल्स को? इन प्रिंसिपल्स को सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए हिदायतें हैं, अच्छा, कि वो गुड गवर्नेंस कैसे करे, किन मुद्दों को लेके वो कानून बनाए ताकि लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिल सके और लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अमेलियोरेट हो सके। फाइनल वर्ड्स गौतम जी। और मैं तो ये कहूंगा कि सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये सरकार के लिए एक तरह से वापसी का रास्ता है, यानी कि अगर आप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल करेंगे, इन पर चलेंगे,
तो आप दोबारा इलेक्शन जीत के आ सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो आपका कोई पता तो इसे भी इलेक्शन का एजेंडा बनाइए, क्योंकि ये विकास और प्रगति की बात है। ऑफ कोर्स जी, देखिए, और मैं तो इसी पॉजिटिव नोट पे खत्म करूंगा कि इतनी भी हमारे पॉजिटिव चीज है, हमारी जनता में खुद में जानकारी होगी, लोगों में जानकारी होगी, तो खुद अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डीएलएसए के पास आ पाएंगे। बिल्कुल ठीक। सो आई होप इन टुडेज एडिशन ऑफ दिस स्पेशल प्रोग्राम वी द पीपल हैव बिकम मोर इन्फॉर्म्ड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. And to help us understand better, to all my guests, thank you very much. Thank you, everyone. तो दूरदर्शन पर, भारतीय संविधान पर हमारी इस विशेष श्रृंखला को आप लगातार देखते रहिए. आज के अंक में बस इतना ही. नमस्कार.